अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो 5 लोग जज उसमें उन्होंने दिया है, उसमें कहा कि सेम सेक्स मैरिज करना अभी नहीं है। कुछ तो फेवर में किया है, कुछ अनफेवर में। ऐसे भी देखेंगे तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट उन्होंने कहा कि आप सबको अधिकार है साथी चुनने का, और सेम सेक्स साथ में इस पार्टनर के साथ भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी उन्होंने भी वही कहा है कि रूल अभी तक भारत में बना नहीं, तो इसे इसको कार्रवाई करना सुप्रीम कोर्ट के हाथ में नहीं है, इसलिए वो संसद के ऊपर छोड़ा है। सरकार इसको नया रूल के माध्यम से बनाएंगे, संसद में बनाएंगे, तो इसको अप्रूवल करें तो इसको कार्रवाई करेंगे। तो एक्चुअली बेसिकली जो सेम सेक्स रिलेशन में जो थे जो कपुल, बहुत उम्मीद रखते कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला हो जाएगा तो शादी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनको बहुत दिक्कत होगा। मेरे बारे में देखेंगे तो मैं तो पहले से 19 से ही बोल दिया था कि मैं सेम सेक्स रिलेशन में हूँ, मैं भी फ्यूचर में मैरिज करूंगी। अभी काफी जो लोग बोल रहे कि सेम सेक्स रिलेशन में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्टनर की तरह रह सकते हो, लेकिन पार्टनर की तरह रहने में फ्रेंड की तरह रहना है तो ज्यादा दिन नहीं रह सकते, क्योंकि हमें सोसाइटी में जीने के लिए सारी चीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ता है। जैसे भी आप ऑफिस में जाएंगे तो बिना आई कार्ड में आपको घुसने के लिए नहीं मिलता है, कहीं पर भी जाओ, चाहे फॉरेन कंट्री जाओ, कहीं पर वीजा अप्लाई करो, हर सेक्टर में आईडी प्रूफ की जरूरत होता है। तो इसलिए सेम सेक्स आईडी जो मैरिज आईन अधिकार इसलिए मांगते थे, क्योंकि आप पार्टनर को मैरिज करके आप हस्बैंड वाइफ की तरह जी सकते हो, बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हो, कहीं पे फॉरेन कंट्री जा सकते हो, कुछ भी लाइफ इंश्योरेंस कवर भी इसको मिल कर सकते हो, प्रॉपर्टी भी खरीद कर सकते हो, बहुत सारा बेनिफिट है मतलब सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो इसलिए अपील किया गया था, लेकिन अभी तो फाइनल नहीं हुआ, संसद के ऊपर छोड़ा है। फिर भी उम्मीद रखा है कि ये रूल रेगुलेशन हो जाएगा तो काफी लोगों को मदद मिलेगा। ऐसे देखेंगे तो अभी 64 कंट्री में जो डेवलपमेंट कंट्री वो कंट्री में अधिकार है जीने का और शादी करने का, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं है। और जो बोले सेम सेक्स मैरिज परंपरा संस्कृति विरुद्ध है, आप देखेंगे तो कोणार्क टेम्पल कभी जाए के देखेंगे तो वहां पे सब पूरा मेंशन हुआ है कि लाइफ में कैसे जीते हैं लोग, कौन किसी को कैसे चूज करते हैं। तो ऐसे देखते हो ये तो बोलते कि ये समाज में अच्छा नहीं, खराब इम्पैक्ट पकाएगा, लेकिन ऐसे देखें तो कुछ नहीं, कहीं हम जिस जिसको प्यार करते हैं इसको ही शादी करने के लिए बोलते हैं।